से हनुमान जी जो हमेशा भगवान की सेवा के अलावा रह ही नहीं पाते थे। तो एक लीला आती है कि जिसके अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया है और अब राज्याभिषेक हो गया है और अब उनकी सेवाएं कौन करेगा, उनके इतने सारे सहयोगी, इतने सारे कर्मचारी, इतने सारे सेवक थे अयोध्या में। तो लक्ष्मण जी ने सबको सेवा बांट दी और हनुमान जी को पता चला लक्ष्मण जी सेवा डिवाइड कर रहे हैं। तो जाकर लिस्ट देखी तो हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। हनुमान जी बड़े उदास हो गए और राम जी के पास आए तो राम जी ने देखा उनका चेहरा कि इतने उदास क्यों, बोला लक्ष्मण ने सबको सेवा दे दी, मुझे कोई सेवा नहीं दी। तो बोले आप अपनी सेवा खुद ही ढूंढ लो, जो भी करना चाहो। तो हनुमान जी ने देखा क्या करूं, सारे तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बोले जब भगवान राम को जमाई आएगी तो मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा मुंह के सामने। तो बैठ गए भगवान के साथ और उनका चेहरा देखते जा रहे हैं कब जमाई लेंगे और कब मैं चुटकी बजाऊंगा। अब वो भगवान है, हमको तो आलस आता है क्योंकि हमारे हृदय में तमोगुण है, हमारी चेतना तामसिक है, तो तमोगुण के प्रभाव से हमको आलस से आता है। भगवान तो विशुद्ध सतोगुण में है, उनको कहां से आलस से होगा। तो पूरा दिन बीत गया, भगवान को जमाई नहीं आ रही और हनुमान जा ही नहीं रहे। रात्रि हो गई तो सीता जी बोली हनुमान अब भगवान को विश्राम का समय है, तुम जाओ। तो भगवान राम ने देखा हनुमान सारा दिन बैठा रहा और कोई सेवा नहीं मिली, तो हनुमान को खुश करने के लिए भगवान राम ने जमाई ली और हनुमान ने उछल के चुटकी बजाई। ये है भक्त जो अवसर ढूंढता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। और जब एक भक्त के हृदय में ऐसी भावना आ जाए तो भगवान उसको अपनी पूरी शक्ति देते हैं, जिससे इस पूरी पृथ्वी पे वो भगवान की सेवा के साम्राज्य को स्थापित कर दें। और ये हुआ शिला प्रभुपाद जी के साथ। भगवान ने उनको अद्भुत शक्ति से संपन्न किया, वो चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को लेकर आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने लोचनदास ठाकुर अब चैतन्य मंगल में भविष्यवाणी करते हैं कि जब पापी लोग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पापी लोग इस देश को छोड़ के जाएंगे तो मेरा सेनापति भक्त उनको मेरे चरणों में वापस लाए।